midpoint. The line joining midpoint of opposite edges. The line joining midpoint of opposite edges is bisected at centroid of the tetrahedron. Say centroid of the tetrahedron. याद होगा आपको ये सेंट्रोइड सॉरी टेट्राहेड्रॉन. अगर ये टेट्राहेड्रॉन है तो मैंने बताया था ये वाला पॉइंट इज ए बी सी डी. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के अपोजिट एजेस. अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एजेस हैं तो ये वाला इज ए वेक्टर, ये वाला इज डी वेक्टर. दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर. बराबर है. इन दोनों का जो भी मिड पॉइंट होगा दैट विल बी B vector plus C vector divided by 2. और इन दोनों का मिड पॉइंट विल बी A vector plus B vector divided by 2. इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये होगी. अगर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है तो जो भी इसका मिड पॉइंट होगा, लेट्स से द मिड पॉइंट इज M. M जो होगा वो ये प्लस ये माने A vector plus B vector divided by 2 plus B vector plus C vector divided by 2 होगा, है ना भाई. और अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज वी वेक्टर. सही है भाई, है ना. इसका मतलब ये कि अपोजिट एज का जो मिड पॉइंट होता है, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो अपने सेंट्रोइड पे आता है. ठीक है ना भाई. उम्मीद है हमको याद होगा हमारे पास में 3 पेयर ऑफ अपोजिट एजेस है, है ना. हाँ भाई लिख लिया आप लोग, फटाफट लिख लें आप. अच्छा कल अपन लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था याद है, वो मैंने आपको बताया था इमेज ऑफ द पॉइंट वाला, याद है आपको. तो उसके अंदर अपन लोगों ने सबसे पहले पैरामेट्रिक पॉइंट निकाला था. पैरामेट्रिक पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को घटा घटा करके इसके डीआर निकाले थे और लाइन के डीआर से परपेंडिकुलर लगा करके लैम्डा की वैल्यू निकाली थी. लैम्डा की वैल्यू आते ही सबसे पहले फोटो परपेंडिकुलर आ जाता है और फोटो परपेंडिकुलर के अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लगा करके अल्फा बीटा गामा आ जाता है, याद है, है ना. तो उसमें क्या है, जो अपन ने क्वेश्चन करा था उसमें छोटा चेंज कर लें आप. जो अपन ने करा था वो उसमें चेंज कर लें ना, जो आप लिखे थे ना उस क्वेश्चन में एक छोटा चेंज कर देना. हम लोगों ने क्वेश्चन को एक दो बच्चों ने ही ढंग से पढ़ा उसको, उन्होंने मेरे को नोटिस भी कराया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने. क्वेश्चन के अंदर अपना क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, क्वेश्चन बराबर है, बस उसके अंदर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर लेते हैं. क्वेश्चन अगर बाय द वे अपन ले ये होता कि इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ए वैक्टर एंड बी वैक्टर तो अपना वाला क्वेश्चन सही है. सही है ना भाई. लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी, ठीक है ना. तो लाइन इज पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू, हटा देन पैरेलल टू हटा दीजिए, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन पूरा बराबर बन जाएगा, है ना. लेकिन इससे ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, मान लो आपने अगर भावना भी गलत पकड़ ली इस बात की कि एक्चुअल में उसके अपने इमोशन ही गलत पकड़ ले तो भी आप इमेज तो निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना. अब आपके लिए अलग एक पंगा हो गया. अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया, जो मेरी जरा से गलती हुई ना, अब आप इमेज निकाल के कर लिया ना याद करके, नहीं है. अब आपको एक लाइन ऐसी तो बता ही सकते हो ना जो ए से गुजरे हो बी के पैरेलल हो. आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, अपन ने बी माइनस ए करा है, आप आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर करके एक लाइन निकाल लेना, तब के लिए वापस ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, है ना. तो नेक्स्ट डे अपन उस पर बात कर लेंगे, ठीक है. अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा. फाइंड इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड
circumscribed spheres in a regular tetrahedron of side k question mark है ना. क्वेश्चन में कल के दिन पे मैं जाते समय आपको बता गया था कि अगर बाय द वे वो जो टेट्राहेड्रॉन है जो अपने पास में रखा हुआ है उसका एक साइड अगर अपन खोल लें और बॉल फिट कर दें अंदर तो जो बॉल होगी और फिर वापस बंद कर दें तो जो बॉल होगी वो चारों साइड को टच करेगी. दैट विल बी नोन एज इन स्फीयर. और अगर बाय द वे ये टेट्राहेड्रॉन ही पूरा उठा करके किसी में डाल दें तो वह सर्कम स्फीयर हो जाएगा. इतना तो याद है ना आपको. हाँ तो वही सेम टू सेम उसी पैरामीटर पर अपन लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, ये अपना टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, अपन नाम रख लेते हैं ए बी सी डी. इसकी सारी साइड्स के हैं. क्वेश्चन वाले ने यही बोला है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन वाले ने बोला इसकी सारी साइड्स क्या हैं, के हैं. अगर सारी साइड्स के हैं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये के होते ही ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही अंदर के एंगल 60 डिग्री हो गया. सही है. अच्छा, अब जो स्फीयर अपने को दिखाना है जो पूरी तरह से इसको घेर के जाएगा वो कुछ हद तक ऐसा होगा. एक स्फीयर जिसके अंदर ये बाउंडेड होगा वो कुछ हद तक ऐसा होगा. अच्छा, अपने को तो रेडियस दिखानी है. रेडियस दिखाने के लिए पंगा ये है कि सबसे पहले हमारे को जरूरत पड़ेगी इसके सेंट्रॉइड की. सेंट्रॉइड माने जी वेक्टर की. और जी वेक्टर बोलते ही अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर होगा. तो अपन इस जगह पे एक छोटी सी शरारत करके इस काम को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा. इस ए को अपन ओरिजिन मान लेते हैं. अगर अपन ने एक ओरिजिन मान लिया तो ये ओ बी वेक्टर ऑटोमेटिकली बी वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा और ये वाला बी वेक्टर हो जाएगा. और सारी साइड्स अपने लिए के हैं ही. ये के सब कुछ के चल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और हमारे को ये पता चल गया कि हमारी जो रेडियस होगी दैट विल बी ए जी वेक्टर. जो सर्कम रेडियस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ए जी वेक्टर के. क्यों, क्योंकि जो पिरामिड है उसका जहाँ सेंटर होगा वहीं पर ही बॉल का भी सेंटर आएगा. बॉल का सेंटर भी वहीं आएगा ना, तो बॉल का जो सेंटर होगा वो पिरामिड के सेंटर के बराबर होगा. नहीं है ये बात, क्योंकि अगर बाय द वे ऐसा होगा तभी ऐसा होगा कि ये डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर आ जाएगी. अच्छा, एनीवे फिलहाल मेरे को निकालना है सर्कम रेडियस. तो मुझे ये पता है कि सर्कम रेडियस इज इक्वलेंट टू ए जी वेक्टर का मॉडुलस. बराबर है ना भाई. अच्छा, अगर मैंने इसे मान लिया ओ जीरो बी सी डी तो अपने को ये भी पता चल गया कि इट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई फोर. क्योंकि ए कहाँ चला गया, वो तो जीरो हो गया. तो बोले थोड़ा ही सही लेकिन श्रिंक हुआ मामला. अच्छा, अब ए जी वेक्टर का मतलब हो गया जी माइनस ए. ए जी वेक्टर का मतलब जी माइनस ए. इसका मतलब जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर इज ऑलरेडी जीरो. तो इसका मतलब एक तरह से मेरे को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर by 4 minus origin घटाना है. इसका मतलब मेरे को एक तरह से b vector plus c vector plus d vector divide by 4 ही निकालना है. उम्मीद है ये बात तो पकड़ में आ गई. अच्छा, अभी मेरे पास में इस तक जाने का सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं है. तो आपको पता है मैं तो मॉड में फंसा हूँ और मॉड का इलाज क्या है, स्क्वायरिंग. तो मैं क्या करूंगा ना, ये ए जी वैक्टर का मॉडुलस जो मेरे से डिमांडेड है मैं ए जी वैक्टर का स्क्वायर पर चला दूँ. अगर मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो बाहर तो 1/4 आ गया. यहाँ से 1/4 तो अभी बाहर आ गया. स्क्वायरिंग करते ये 1/16 हो गया. सोच लिया आपने. अच्छा, आप बोलो तो मैं स्क्वायर हटा करके खास आपके लिए इसे वापस 1/4 रख कर सारा सामान अंडर रूट में डलवा दूं चलेगा. मैं तो उसके लिए भी तैयार बैठा हूँ. नहीं आया समझ में, बात समझ में आई. स्क्वायरिंग करी और अंडर रूट में डलवा दिया, इतना कर देंगे ना. अच्छा, तब तक आपको बताओगे इसका स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड डी का स्क्वायर. श्योर है भाई. अच्छा, मॉड डी वेक्टर का स्क्वायर. अब काम की बात क्या है ना, प्लस में मैं आगे इसके झंझट में पढ़ना नहीं चाहता. मैं जानबूझ करके छोटा कर देता हूँ समेशन. अब क्या लिखूं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. सोच लिया आपने. समेशन बी सी का मतलब ऑटोमेटिकली सी डी और बी सी सी डी डी बी तीनों आ गए. आप समझ गए बात. अच्छा, बहुत बढ़िया. अब अगर बाय द वे मैं आपको बोलूं कि ये लिखा हुआ है 1/4, ये लिखा है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इज इट ओके. यहां तक बराबर जा रहा है भाई. प्लस में 2 times. अगर आपको ये पता है तो ये भी पता होगा इट इज इक्वल टू मॉड बी मॉड सी कॉस 60 डिग्री. पाई बाय 3 कर दूं भाई. अच्छा, ये पाई बाय 3 जो होगा
पूरे के बाहर आ जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो मार्केट में क्या रह गया, डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना रह गया, के स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अच्छा, ये कितनी बार के स्क्वायर, तीन बार। तो तीन बार के स्क्वायर इसका और तीन बार के स्क्वायर मिलकर के 6 के स्क्वायर है, सही है। तो फाइनली बाहर आ गया के स्क्वायर, यहाँ मार्केट में रह गया अंडर रूट 6 डिवाइड बाई, सही है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो एजी वेक्टर की वैल्यू, मतलब मेरे लिए जो सर्कम रेडियस आई, दैट इज के अंडर रूट 6/4, अगर बाय द वे साइड अपने आप में के है तो, अगर साइड्स अगर के है तो। अच्छा, अब बात उठी किसकी, ये तो हुआ सर सर्कम रेडियस हो गया। अगर बाय द वे मैं आपसे इनर रेडियस पूछता तो क्या होता, मैंने कहा अगर आप इनर रेडियस पूछते तो पहली बात तो मैं आपको एक ऐसा स्फीयर बनाता जो अंदर ही अंदर सारी साइड्स को टच कर रहा है, ये अपने आप में इस साइड को टच कर रहा है, ठीक है ना, इसी प्रकार से ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ टच कर रहा है, और जहां ये टच कर रहा है वहां पे जब परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है ना, तो जो रेडियस आएगी दैट विल बी इनर रेडियस, हाँ या ना। अच्छा, आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये स्फीयर वहीं टच करेगा जहां इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, इतनी तो कॉमन सेंस में भी क्लिक कर जाती बात। अगर ऐसा है तो आपको ये पता चल गया कि इस वाले का नाम जीवन है। जीवन याद है आपको, हमारे पास जीवन, G2, G3, G4 करके चार सरफेस के सेंट्रोइड थे और एक पूरे पिरामिड का सेंट्रोइड था, यहां तक तो पक्का है ना। तो कहना मतलब अगर किसी ने मेरे से इन रेडियस डिमांड करी तो इन रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस में जीजी वेक्टर, क्या ये बात सही है? अगर भाई तुम्हें मॉडुलस में जीजी वेक्टर मांग लिया गया तो जीजी वेक्टर के लिए क्या करा जाएगा, मॉडुलस में जी वेक्टर माइनस G1 लिख दूं, G1 वेक्टर। तो यहां जी वेक्टर माइनस, उल्टा करूं इसको, पहले इसको उल्टा कर दूं, हाँ, क्योंकि G1 माइनस G अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको लिख रहा हूं G माइनस G1 वेक्टर, बराबर है। अच्छा, अगर ये वाली बात भी सही है तो ये होता है B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब उधर की तरफ से देखा जाए तो आंसर हो जाना चाहिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3। श्योर है? अगर इस केस को थोड़ा आसान करना हो, अगर इस केस को थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान करना हो कैलकुलेशन वाइज, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप ले G1 के लिए जब आप बी माइनस सी करेंगे ना तो एक डी टंग गया है, उस डी को बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए अगर मैं आपको ये सलाह दूं कि आप इस पॉइंट पे लीजिए तो ज्यादा आसान होगा, नहीं है, क्योंकि इस सेंट्रोइड का नाम क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 3। नहीं आया बात समझ में, ये कहानी पकड़ में आई आपको, नहीं आई। अगर भाई दुबे मैं आपको ये सलाह देता हूं तो ये ज्यादा आसान है उल्टा, तो यहाँ पे G2 लिखने पर क्या हो जाएगा, इट इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 3। हाँ जी साहब, आप बताइए क्या करना है। फाइनली अगर मैं गलत नहीं हूं तो मॉडुलस माइनस को खा जाएगा और मार्केट में आपके पास में रह जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 12। गलत तो नहीं आ गया, सोच लिया आप लोगों ने, है ना, क्योंकि मॉडुलस की वजह से माइनस इधर उधर हो जाएगा, ये 4b 4c 4d में से 3b 3c 3d घटने के बाद ये रह जाएगा। अच्छा, जिनको ये भी पकड़ में आ गया, मैं निकाल रहा था G2 वेक्टर और अगर मैंने ये निकाल लिया तो इसका मतलब हो गया 1/12। अंडर रूट के अंदर फिर से दौड़ दूं, इसकी वैल्यू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सोच लेना आप तो, और बाकी सब वही उतार दूं, और प्लस के अंदर कितना 2/2 अंडर रूट के अंदर, सॉरी समेशन के अंदर के स्क्वायर, ये वापस 6 के स्क्वायर बनेगा। तो फाइनली इट इज के अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 12। गलत तो नहीं है, चलिए इन रेडियस आ गया, है ना, फटाफट कॉपी कर लें, आप आगे बढ़ेंगे। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बेस ऑफ द पिरामिड AOBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड इक्वल टू 4√2। इसने पूरी कहानी में ओरिजिन को लिया है, इसलिए मैं ओरिजिन के लिए ये बना रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि बेस ऑफ द पिरामिड AOBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसने क्लियर बोला है कि बेस ही इक्विलेटरल है, बाकी सब इक्विलेटरल नहीं है सब, ठीक है ना भाई। अगर बेस इक्विलेटरल है,
यहाँ पे ओ है, इट इज बी, इस वाले पॉइंट को अगर अपन बी मान लें तो ये कह रहा है कि 4√2 साइड है इसका, माने ऐसा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पॉइंट का नाम सी है। एक बार समझ लेना है ना, क्योंकि एक बार चीज निकल गई तो आगे चले जाएंगे। अब ये थोड़ा सा आपके लिए दर्दनाक है, ठीक है भाई। हमारे दिमाग में क्या होता है ना, पिरामिड की शेप ऐसे ही बनी हुई होती है। अब हमेशा पिरामिड को है ना, ये इस लाइन से कुछ एंगल पे लेते हैं, ये जो बेस लाइन है इससे हमारी आदत होती है कि पिरामिड को यही सोचेंगे कुछ एंगल पे है ना, ये कुछ हद तक ऐसे ही पिरामिड है। बात समझ में आई आपको? इसका ना मतलब ये कि ये वाला पॉइंट इज सी और ये वाला पॉइंट इज बी, जो मैंने यहां दिखा रखा है। लेकिन इसने कहा आगे ए के लिए आप ये मत सोचिए, ये कह रहा है एओ जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब एओ यो है, इसका मतलब इसका पिरामिड है वो हल्का सा इधर की साइड में टिल्टेड है। नहीं आया समझ में? ये एक्चुअल में टिल्टेड पिरामिड है, टिल्टेड ऐसा टिल्टेड है, यूं समझना आड़ा इस तरह से है, इस तरह से रुका हुआ है, माने इसका जो बेस है वो यहां तक और है। यहां पे जरूर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है और इसका जो एओ है वो कुछ हद तक यहाँ है, और अगर एओ कुछ हद तक यहाँ है तो अपन अभी तो अपने पास कोई चॉइस भी नहीं है बहुत ज्यादा डायग्राम को इसको डेकोरेट करने की। लेकिन एओ अपने आप में इतना है, और इसने ये भी बोला है कि एओ जो है वो उसका अच्छा। अब एक और अच्छी बात सुनिए, ये एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई दिमाग में। आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने लिए एक बार के लिए वाई एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस यहाँ है अभी, हाँ या ना? तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि अपना जो पिरामिड है वो यूं है। नहीं आया समझ में? क्योंकि 90 डिग्री पे और किसी तरीके से नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? इधर वालों को तो आ गई ना भाई, इधर वालों को देख लीजिए, ये पिरामिड यूं है, नहीं है? ये इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, माने ये शेप यूं जा रहा है। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये कि जो आपका ए है वो इस लाइन पर है, और ए अगर आपका इस लाइन पर है तो मिलाने पर ये पिरामिड तैयार हुआ है, अजीब सा। पहली चीज तो आप यहां तक पकड़ लें है ना, हालांकि ये सभी बच्चों के बस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आर वेरी कॉमन इन टू जेई में, जेई और जे एडवांस जेई मेंस दोनों में आने लग गए अब, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे जरूर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगला क्या क्या बोल रहा है उसके ऊपर आइए। इसने बोला है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सारी साइड्स 4√2 हैं। इसका मतलब ये कि बी इसी पर है, बी तो इसी पर ही है ना, अगर बी इस पे तो ये एक्स एक्सिस है सुनते हैं, तो बी के जो वैल्यू होगी वैक्टर वैल्यू वो 4√2 i कैप हो गया, हाँ या ना? सोच लिया आपने? अगर ये 4√2 i कैप हो गया तो आपको पता होगा एक इंटरेस्टिंग बात कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है, सही है ना, वो मीडियन से होके गुजरती है, तो इस पॉइंट का नाम 2√2 है। सोच लिया आपने? अच्छा, इस पॉइंट का नाम 2√2 है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक 2√2 i कैप तो हो ही गया, लेकिन क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें 100% एक ना एक जे कैप भी है। अब वो जे कैप कैसे निकलेगा ना, वो बताता हूं मैं आपको। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो हाइट होती है दैट इज 3√3/2 कुछ होती है ना, ए याद है आपको, ए की वैल्यू 4√2 है, तो इसका मतलब 4√2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज 2√6। क्या ये बात सही है? इसका मतलब ये कि कोई यहां तक आया, पहले तो 2√2 i कैप हुआ और फिर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये कि 2√6 जे कैप हो गया। क्या मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए? अब आप ये भी सोचिए कि अगर अपने पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए तो अपने पास में ओरिजिन के नाम पे और ये ओरिजिन भी था। अब पॉइंट ये उठता है कि क्या हम लोग ए के बारे में कुछ कमेंट करेंगे? क्या ए के बारे में भी कमेंट किया जा सकता है? ए अगर यहां है तो, क्योंकि ये दो कदम चलने पे आया, तो आई थिंक 2k कैप बोल दूं चलेगा, सही है। अब मेरे पास में सारे पॉइंट आ चुके हैं इसके, यहां तक की बात मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है, लेकिन यहां तक बात बराबर है। हाँ जी साहब, अब चलते हैं आगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्क्यू लाइंस, कौन कौन सी, एक जो गुजर रही ए से और किसको जोड़ रही, मिड पॉइंट ऑफ ओबी को, ए से चली और किसको जोड़ बैठा, बीसी का मिड पॉइंट। अब बीसी ढूंढो, बी दिख रहा है आपको, ये रहा,
सही है भाई। और यहाँ पे कहीं का होगा मिड पॉइंट, क्या? अच्छा ओबी का मिड पॉइंट, अरे वाह और बढ़िया कर दिया इसने तो काम अपना। ये वाला ही मिड पॉइंट है। अच्छा वन जॉइनिंग ए एंड द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, श्योर है? अच्छा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन अपने पास में ये वाली लाइन आ गई ब्लू वाली। अच्छा और दूसरी कौन सी वाली लाइन होगी? दूसरी लाइन है वन पासिंग थ्रू अदर पासिंग थ्रू ओ एंड मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये दोनों सही है। अपने को तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना है बस। आ भाई पॉइंट कवर बात, ये कैसे बताएंगे हम लोग? कोई मेरे को इस पॉइंट के बारे में कोई आइडिया देगा? इस पॉइंट के बारे में शायद आप में से कई लोग सोच पाएंगे। मैं अगर बोलूं तो ये अपने आप में फोर रूट टू आई कैप प्लस टू रूट टू आई कैप डिवाइड बाई टू, इसका मतलब ये हो गया थ्री रूट टू हो गया आई कैप, और इधर से जीरो और इधर का टू रूट सिक्स बाई टू दैट इज रूट सिक्स, बराबर है भाई? तो अपने पास में ये वाला पॉइंट तो आ गया। अच्छा ये जो लाइन थी इसका नाम अपन डी रख देते हैं, बीसी का मिड पॉइंट अपन डी ले लिया। तो मैं अगर आपको बोलू तो मेरे पास में एक ओडी वेक्टर आया हुआ है, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू डी माइनस ओ, इसकी वजह से ये हो जाएगा थ्री रूट टू एंड अंडर रूट सिक्स, सही है? ये ओडी वेक्टर हो गया। अच्छा दूसरी लाइन जो हमारे पास में है ये, इसको अपन अगर ई नाम दे दें तो दूसरा मेरे को निकालना है क्या? ए ई। अगर मैं ए ई निकालता हूं तो इसका मतलब ये कि अपने आप में टू रूट टू आई कैप है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ए ई का मतलब ई माइनस ए होता है, और e माइनस ए का मतलब हो गया टू रूट टू आई कैप माइनस टू के कैप, तो ये माइनस का टू कर दो भाई। और अब धीरे धीरे चीजों को और करेक्ट करने के लिए इधर एक जीरो लगाना पड़ेगा और इधर जीरो लगा के माइनस टू लगाना पड़ेगा, क्या ये सही है? अब अपन थोड़ा और करेक्ट फॉर्म में आ गए, क्यों? क्योंकि अपने को अब तक सिर्फ जे दिख रहा था, अब पूरी कहानी में अपने के की भी एंट्री करा दी। हमको चाहिए दोनों के बीच का एंगल, इसका मतलब कॉस थीटा, सही है भाई? और कॉस थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा ओडी डॉट एई डिवाइड बाई नीचे कितना मॉड ओडी मॉड एई, यहां तक कर सकते हैं अपन लोग, सही है? एक बार जरा मल्टीप्लाई भी कर लें, देखिए जिनको मल्टीप्लाई आती है वो जानते भी हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई विल बी 12 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा सा 18 18 और 6 24 अंडर रूट 24, श्योर है भाई? इधर आ जाओ अंडर रूट के अंदर, यहां से आ जाएगा कितना 8 8 और 4 12, श्योर है? 12 से 12 कट गया, आंसर हो गया 1 बाई रूट टू, सोच लिया? तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, सही है? अगले क्वेश्चन आएंगे। Let E1 and E2 vector mod E1 is equal to 2 mod E2 is equal to 1. E1 or E2 के बीच angle is 60 degree. If the angle between V1 and V2 is lies between pi by 2 to pi, find the range of T. ठीक है? Find the range of T. ठीक है? यहाँ एक छोटा सा change है. यहाँ पे भी T है. T E2A. 2t plus 7e2 v2 is equal to e1 vector plus t times e2 vector, ठीक है? ये हमने सभी को पता चल गया कि ये दोनों के बीच का एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाय द वे दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, याद आ गया? और दोनों के बीच का अगर एंगल एक्यूट हो जाए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, याद आ गया आपको? तो कहना मतलब ये कि एज एंगल बिटवीन
V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर इज नेगेटिव, दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। याद आया हमको ये बात? शायद आप भूल गए थे ये बात, है ना? अच्छा, अगर बाय द वे दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसा है तो आपने सभी को ये भी पता चल गया होगा कि अब ये अपने आप में लिखा है 2T और 7, हाँ है ना? आप चाहे तो ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिख लेना, आप तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दो। अगर बाय द वे आपको सिंपल डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको पता है आपको डॉट प्रोडक्ट करना है 2T × E1 वेक्टर + 7 × E2 वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट किसका? E1 वेक्टर + T × E2 वेक्टर का, और ये नेगेटिव आना चाहिए। अगर आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं तो आपको पता है E1 का E1 से डॉट प्रोडक्ट विल बी 2T² सही है भाई, और प्लस में कितना आ गया 7T, कुछ गलत है? 2T ही आएगा। यार डॉट प्रोडक्ट सही कर रहे हैं अपन या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? इसका कोई यूज है क्या? इसका कोई यूज होगा या ये होगा? अब आप में से कई लोगों को दिख गया, वेरी गुड, आप में से कई लोगों को अभी दिखा कि इसका कोई यूज है, तो फिर जाएंगे कैसे? क्या मुझे यहाँ पे मॉड V2 इंटू में cos 60 डिग्री बोले तो डिवाइड बाई टू इज लेस देन 0 कर देना चाहिए, हाँ या ना? सही है क्या? ये भी सही नहीं है, नहीं 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 ये भी सही नहीं है, है ना? हाँ, अब आप में से कई लोग फिर रुके, क्योंकि ये एंगल अपने आप में 60 डिग्री E1 और E2 के बीच का एंगल है, याद आ गया आपको? तो V1 V2 में इसका कोई रोल नहीं है। अब आप फिर फंस गए, इसका मतलब ये कि V1 को दोबारा कॉपी कर दें, 2T E1 वेक्टर + में कितना 7 E2 वेक्टर, आधे लोग तो यही ना चलेंगे अच्छे से, E1 वेक्टर + में कितना T × E2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन 0। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट कीजिए 2T का इसके साथ, 2T × में कितना E1 वेक्टर का स्क्वायर लिख दो भाई, मॉड E1 स्क्वायर लिख देता हूँ, श्योर, प्लस 2T × दिस दैट इज 2T E1 वेक्टर / E2 वेक्टर बराबर है भाई, प्लस 7 का इससे डॉट प्रोडक्ट करते ही 7 E1 वेक्टर क्या? अच्छा 2T² 7 E1 वेक्टर / E2 वेक्टर और 7 का इससे डॉट प्रोडक्ट करते ही 7T E2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन 0। अच्छा E1 के मॉडुलस के बारे में अगले ने बताया कितना 2, तो आप यहां पे जैसे 2 रखेंगे तो इट विल बी 8T कर दो भाई। अच्छा प्लस के अंदर कितना 2T² E1 वेक्टर / E2 वेक्टर का मतलब हो गया मॉड E1 बोले तो 2, मॉड E2 बोले तो 1 इंटू में cos 60 डिग्री बोले तो 1/2। अच्छा सिमिलरली इधर भी क्या होगा, 7 इसकी जगह हो जाएगा 2 × 1 × 1/2। अच्छा प्लस के अंदर कितना 7T और मॉड E2 की जगह पे 1 रखने पर इंटू में 1 का स्क्वायर दैट इज एज इट इज, सही है। अब जिन लोगों को फाइनली समझ में आ गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट धीरे धीरे एक एक को सॉल्व करके आएगा, वो आप अरेंज कर लें, ये 2 से 2 कट गया, फाइनली इट इज 2T² चलो 2T² तो आया, और हमारे पास में टी के नाम पे इधर एक 7T है और इधर एक 8T है, तो फाइनली इट इज 15T, और कम हो रहा है मामला। अच्छा और ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो फाइनली इट इज +7 is less than 0। हाँ भाई कितने लोगों का डॉट प्रोडक्ट सक्सेसफुल था? किसी का था? हाँ बहुत कम ही सही, लेकिन आप धीरे धीरे यहां तक ले आओ, है ना? अब लाने के बाद पंगा यहां से चालू होता है, क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14T² इसको अरेंज कर देगा? तो इसको लिख लेना चाहिए मुझे 2T² + में कितना 14T + T + 7, श्योर है भाई? अगर देखा था तो इट इज 2T + 1 क्रैक करने पर और दूसरी तरह से T + 7 less than 0, इससे T की वैल्यू अपने आप में फंस गई, कहां से कहां के बीच में? -7 और -1/2 के बीच, सही है। पहली बात तो ये एक ऐसा आंसर है ना जो कैजुअली कोई भी स्टूडेंट दे देता है, मतलब जिसने डॉट प्रोडक्ट को धीरे धीरे ही सही बार बार टकरा टकरा के सही कर लिया वो यहां तक दे देगा। अब इस पूरे कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। इस पूरी कहानी में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपकी स्टोरी ओपन में दे रखी हो तब आप हमेशा इसके एंड पॉइंट पाई पे जरूर नजर डाल लेना, इसका पाई बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना?
हालांकि पाई का इसमें रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप पाई पे जरूर ध्यान देना। एट थीटा इज इक्वल टू पाई, जब अपने आप में वी वन और वी टू के बीच का एंगल पाई होगा, है ना, मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है ना। व्हेन एंगल बिटवीन वी वन वेक्टर एंड वी टू वेक्टर इज पाई, हालांकि वो नहीं है उधर, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में नॉर्मली जब आप लेस देन जीरो गिन रहे होते हैं तो पाई चुपचाप गिनने मार रहा होता, आपको दिख नहीं रहा होता। जब पाई होता है ना दोनों के बीच का एंगल, तो आपको पता है एक वेक्टर अगर यू जा रहा है तो पाई एंगल होने पर दूसरा वेक्टर अपोजिट जा रहा होता है। अच्छा जीरो होता है तो दोनों सेम साइड जा रहे होते हैं। अब चाहे सेम साइड जाए चाहे अपोजिट साइड जाए, दोनों ही केसेस में क्या खास बात होती है, दोनों लाइनें पैरेलल होती है। नहीं आई बात समझ में? दोनों लाइनें पैरेलल होती है। अगर इधर जा रहे हैं और दोनों दोनों एक साइड जा रही है तब तो लाइक हो जाएगी, और यो होने पर पैरेलल अनलाइक, लेकिन पैरेलल जरूर होती है। और अगर पैरेलल हो गई तो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हो गई तो दुनिया की नजर में वी वन वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वी टू वेक्टर, ऐसा लिख करके बता रहा हूं कि ये हो जाएगा 2t डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू में 7 डिवाइड बाई टी। सही है भाई? और अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाई 2, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाई 2 से t की दो वैल्यू आ रही हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 7 बाई 2। सही है भाई? जिसको हम लोग प्यार से प्लस माइनस 3.5 बोल देते हैं। अब आप ये देख लीजिए इन दोनों वैल्यू में से कोई भी इसमें नहीं आनी चाहिए, और शायद मेरे हिसाब से माइनस का अंडर रूट 3.5 आ रहा है। तो आप जो ओरिजिनल आंसर बोलेंगे उसमें पाई हटा के बोलेंगे तो टी बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस 7 टू माइनस का 7 बाई 2 अंडर रूट यूनियन माइनस का अंडर रूट 7 बाई 2 टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो आंसर में एक छोटा सा ही सही एक टर्निंग पॉइंट आता था अचानक से और आपको बदलता आपका आंसर ये आने की बजाय ये आ गया, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऑप्टिव्स बताते हैं और ऑप्टिव्स के आगे नहीं बताते, क्वेश्चन करते हैं टाइम पे ये आपको परेशान करता ही है, ठीक है, जरूर ध्यान रख लेना भाई, है ना। वैसे नॉर्मली नहीं करेगा, जेई मेंस के लेवल पे इतनी दूर तक नहीं सोचेगा वो, कितना भयानक सोच गया, लेकिन एडवांस के लेवल पे जरूर वो ऑप्टिव्स एंगल में आपको परेशान करेगा, पक्की बात है। हाँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान रख लेना कि आपसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करवा ले, ठीक है ना भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 3-3 जगह गुगली हो जाती है, ठीक है। कई बच्चे अभी अभी मैंने बताया ना कि वो cos 60 डिग्री ले गया, फिर उसको अचानक याद आता है जब मैंने cos 60 ले लिया तो फिर पाई बाय 2 से पाई क्यों ले रहा हूं। ये आपके साथ में होने वाले एक नेचुरल है, ये सभी के साथ होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन ही नहीं करते हम लोग। हमारे साथ क्या पंगा होता है, हम सोचते हैं कि डॉट प्रोडक्ट तो हो गया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि स्टूडेंट को एक नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। फटाफट से आप आगे बढ़िए, अपने पास में जरूर टाइम जरूर कम है, आप आगे बढ़ते चलना बस। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, देन फर्स्ट मॉडुलस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेकेंड मॉडुलस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? और ये अपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखिएगा, है ना। ये भी जब आंसर आता है तो इसका ये काम आता है सीधे सीधे। हाँ जी साहब, करें चर्चा। क्या आपकी नजर पड़ी इस बात पे कि इसने चुपचाप एक बात कह दी कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं? नहीं है। अरे नॉन कोलिनियर इसका मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल है, इससे तो कोई लेना देना नहीं। नॉन कोलिनियर इसका मतलब दोनों कोलिनियर नहीं है, माने एंगल पाई नहीं है, ठीक है, या जीरो नहीं है, बीच का कोई एंगल कोई और थीटा है। नहीं है ये बात समझ में? आपकी नजर पड़ी थी यूनिट वेक्टर, वो अक्सर साइलेंट रहता है, इतना साइलेंट रहता है कि आपकी नजर नहीं पड़ती। तो याद रखना ये अपने आप में यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आप इस जगह पे भूलना नहीं कि मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1 है। मैंने आपको बार बार बोला है कि यूनिट वेक्टर अक्सर पढ़ने में नहीं आता, हमसे भी नहीं पढ़ने में आता, आप क्वेश्चन देते हैं तो, ठीक है ना। अब इस पर आ जाओ, मॉड ए माइनस बी, आपको याद होगा मॉडुलस का इलाज, तो स्क्वायर करते इट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 आगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
नहीं है। अरे ये सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर है। आप तो खटाखट स्क्वायर बोलो, मॉड ए का स्क्वायर माने ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर माइनस में टू ए वेक्टर। अब इसके आगे बोलो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन माइनस में टू मॉड ए, मतलब वन इंटू वन कर दूं, इंटू में कॉस थीटा। एग्जैक्टली क्या आपको पता है कि आपने फाइनली ये टू देख लिया, इन दोनों में से टू कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर वन माइनस कॉस थीटा रह गया। अच्छा आपको पता है कि ये अपने आप में फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा। जल्दी जल्दी सोचो आप कैसे, ये अपने आप में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, हो गया। लेकिन आपको पता है ये आपने निकाल बैठे मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू। याद रख लेना, डायरेक्ट यूज होता है ये। ए और बी अगर अपने आप में यूनिट वेक्टर बोल दिया तो 100% है कि मॉड ए माइनस बी पे खड़ा ये बात यूज कराएगा वो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिनको ये समझ में आ गया वो अगले पे खुद निशाना लगाएंगे और वो याद रख लें कि ये चीज अपने को इसकी वैल्यू निकालो आप टू कॉस थीटा बाई टू। हाँ बिल्कुल, अब इसको आप प्रूव कर लो, ठीक है। हाँ भाई कितने लोग कर लेंगे खुद ब खुद टू कॉस थीटा बाई टू, कर लिया या कर लेंगे? कर लिया। हाँ भाई आगे चलते जाना आप, है ना। ये निकालना तो कैसे शुरू करूं, इसका स्क्वायर इस गड़ो कितना होगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। सही है भाई, इसकी वैल्यू वन प्लस वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन इंटू कॉस थीटा। सही है भाई, फाइनली इट इज टू कॉमन, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कॉस थीटा बोले तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस थीटा बाई टू। श्योर है भाई? नहीं नहीं नहीं, अरे ये बात पक्की हुई कि नहीं हुई? हाँ तो फटाफट लगा दे रहा आप क्या, धीरे 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 पता नहीं रम रम के खेलते हो। ये हो गया यहाँ तक? हाँ जी साहब, मैं आपको बताता हूँ जैसे क्वेश्चन के अंदर ये दे सकता है वो क्या दे सकता है, कह सकता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, वही नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, सही है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी प्लस में मॉड ए माइनस बी। जल्दी करें आप। हाँ साहब क्या आपको याद है कि यूनिट वेक्टर का नाम लेते ही मुझे तुरंत मॉड ए प्लस बी की जगह क्या दिखना चाहिए, मॉड ए प्लस बी की जगह टू कॉस थीटा बाई टू और इसकी जगह टू साइन थीटा बाई टू। श्योर है भाई? तो आपने मॉड ए प्लस बी प्लस में मॉड ए माइनस बी की जगह दौड़ के लिखना चालू करा, इट इज टू कॉस थीटा बाई टू प्लस में टू साइन थीटा बाई टू। टू कॉमन ले लू, अरे यहां तक ले लू, और मुझे पूरी कहानी का क्या निकालना है मैक्सिमम, तो आप बता सकते हैं इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम रूट टू या टू? अरे इसका मैक्सिमम इतने हिस्से का मैक्सिमम रूट टू, याद आया आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इसका मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट टू, तो फाइनली इट इज ओवरऑल इनटू रूट टू। श्योर? हाँ सर, अगले क्वेश्चन में देखें नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी सर, अब ये आप पॉइंट वाइज चलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, अगला क्वेश्चन लिखिए। हालांकि मेरी साइड का क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरे ही माथे आएगा, लिखेगा फटाफट से इंसिडेंट रे, ठीक है, इज अलोंग विद यूनिट वेक्टर, इज अलोंग विद यूनिट वेक्टर वी वेक्टर एंड रिफ्लेक्टेड रे is along with unit vector, नजर पड़ रही है unit vector पे, unit vector w vector, the normal is along with यूनिट वेक्टर ए वेक्टर आउटवर्ड,
क्वेश्चन है एक्सप्रेस डब्ल्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ठीक है। हाँ साहब, काम आपका है ना, ये इंसिडेंट इंसिडेंट खूब आपने बनाए, फटाफट से चालू हो जाइए, जितनी दूर तक बन जाए बढ़िया, अगर एक का दुक्का से पूरा ही बन जाए तो और बढ़िया, ठीक है। टाइम आपको दे रहा हूँ तकरीबन एक मिनट तक, फटाफट से चालू हो जाओ क्योंकि एक मिनट से ज़्यादा करनी है। डायग्राम तो बना ही लेना कम से कम, इंसिडेंट रहे और रिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो उम्मीद है इतना तो बन ही जाएगा। तब तक मैं आप में से किसी को, अगर जैसे मेरी शानदार राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे डिक्टेट कर देता हूँ, इंसिडेंट रे इज अलॉन्ग विद यूनिट वैक्टर, रिफ्लेक्टेड रे इज अलॉन्ग विद यूनिट वैक्टर डब्ल्यू वैक्टर, द नॉर्मल इज अलॉन्ग विद यूनिट वैक्टर ए वैक्टर, सब यूनिट है ना। इंसिडेंट का नाम वी वैक्टर और रिफ्लेक्टेड का नाम डब्ल्यू वैक्टर, नहीं हाँ, और नॉर्मल का नाम ए वैक्टर है। आपको डब्ल्यू वैक्टर को ए और वी के टर्म्स में बताना है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। हाँ साहब, डायग्राम मिला लें, सही है। रे आई, टकराने के बाद मुड़ गई, नॉर्मल यहां होता है, ये आउटवर्ड है ए वेक्टर, देख लिया आप लोगों ने। रे आई है, इसका नाम क्या है, वी वेक्टर। रे रिफ्लेक्ट हुई है, इसका नाम डब्ल्यू वेक्टर। उम्मीद है मैंने ये तीर वीर सब सही बनाए। अगर मैंने तीर सारे सही बनाए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस तीर में एक छोटा चेंज करा और मेरे काम बन गया। पहला चेंज, इसको भी बाहर की तरफ कर दो, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली थीटा होगा, ऑटोमेटिकली ए वेक्टर जो हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया, पहली बात तो इससे पक्का करते जाओ, सही है ना। इसमें इतने गजब के चेंजेस हैं, इसमें इतनी जबरदस्त बातें होती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहली बात, इतनी छोटी छोटी और माइन्यूट बातें जो हमारे को स्ट्राइक करनी चाहिए और याद रखनी है, याद रखनी है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है। वेक्टर एकदम एकदम, क्योंकि नई दुनिया है, 9 से 10 दिन के लिए खुलती है और फिर वापस लॉक हो जाती है, और आपको ये याद रखनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले इंडेफिनेट करा उसके बाद में आप डेफिनेट करोगे तो आपको इंडेफिनेट की सपोर्ट मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आपने लिमिट करा, लिमिट के बाद आप जब कंटिन्यू करोगे लिमिट का सपोर्ट मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल एकदम अलग दुनिया है, ठीक है ना। ये सिर्फ 9 से 10 दिन के लिए खुलेगी, आपको हर चीज याद रखनी है और इंपॉर्टेंट डालता जाना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप वापस मुड़ के देखोगे, जैसे आपने जैसे मान लीजिए 2 हफ्ते भी निकाल दिए इसके बाद के, तो आप भूल गए, फिर आपको ऐसा हल्का हल्का याद रखा, डॉट पटक मुझे याद है, छोटी छोटी बातें याद रखें। लेकिन आप जब दोबारा देखें इस पिटारे को, हर चीज को मार्क करते जाओ कि यहां ध्यान देना है, इस जगह पे फोर्स देना है, इस जगह को थोड़ा लाउड लेना है, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट है ना, मैं भूलूंगा ही भूलूंगा, तो आप पहले से तय कर लेना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है। एनीवे, तो देखो इतनी छोटी बात और स्मार्टली खेली गई, पहले बात इसको बाहर लिया, बाहर लेते ही ये अपने आप में माइनस का वी वेक्टर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको बताऊंगा ये थीटा तभी काम करता है, दोनों आउटवर्ड हो, दोनों डाइवर्जिंग होगी ना तभी ये काम करेगा, वरना काम ही नहीं करता। फिलहाल ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और वो भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन गया। अगर ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन गया तो दुनिया गा सकती है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा इनटू में, कोई कैप की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सारे वेक्टर ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब ये कि मैं लैम्डा इनटू में डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर लिख दो भाई, हालांकि लिखना तो प्लस चाहिए लेकिन वो है ही माइनस में, क्या करूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पहला काम यहां खत्म हो गया। दूसरी बात, अब यहां वो स्मार्ट चेंज जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते वो ये है कि ये लैम्डा नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, उधर जाके जो 1/λ बनेगा वो अपना एक अलग कांस्टेंट होगा, क्या वो कांस्टेंट नहीं होगा? अगर कांस्टेंट होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या है ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो पकड़े आप, कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अच्छा ये भी ऐसे भी ये खेल जाता है, इसको कहते हैं लैम्डा ए वेक्टर, क्योंकि उधर गया 1/λ, लैम्डा आप इसको चाहे तो म्यू ले लें ताकि आप में से कई लोग दर्दनाक मौत नहीं मरे, ठीक है, हाँ नहीं तो बेहोश होके गिर गया, यार ये सर दोनों ही लैम्डा हो गए क्या मतलब है, ठीक है हाँ, अच्छा ये म्यू नीचे गया तो 1/μ हो गया, 1/μ इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, तो आई कैन टेक इट लाइक अ लैम्डा। अब ऐसा ले सकता हूं कि नहीं?
लेते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए W वेक्टर को A और V के टर्म्स में दिखाना। इसका मतलब मेरे लिए मार्केट में आ गया V वेक्टर, इधर आकर के प्लस का, प्लस में लैम्डा A वेक्टर। इतने में एक बच्चा अड़ गया कि सर लैम्डा की वैल्यू कहाँ से लाओगे, बिना लैम्डा के चल जाएगा? मैंने कहा नहीं, लैम्डा देना पड़ेगा मुझे। अब लैम्डा कैसे देंगे वो सुनो आप। लैम्डा देने के लिए हमें यहाँ पता चल गया कि W वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस में लैम्डा A वेक्टर। मैंने खटाक से दोनों साइड स्क्वायरिंग लगा दिया। स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा साहब, स्क्वायरिंग करते ही ये 1 हो जाएगा। सोचो इसका हो जाएगा v वेक्टर प्लस में लैम्डा a वेक्टर का होल स्क्वायर। एक बार दिखा लेते हैं, सही है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सोचना, प्लस में लैम्डा इनटू 1 नहीं सोचने में, प्लस में याद है ना, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर b वेक्टर, याद है, प्लस में 2a वेक्टर की जगह 2 लैम्डा। अच्छा भाई लो लैम्डा स्क्वायर है ना भाई, इसका स्क्वायर प्लस में, सही बोल रहा हूँ आप लोग है ना, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2 इन दोनों का ए डॉट वी कर दूं। ए डॉट वी करने में क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और सामने भी 1 है, इस 1 से ये वाला 1 चला गया। क्या यहां तक बात सही है? अब फाइनली आपको दिख गया ये रह गया लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। कुछ कॉमन जो वन आ रहे तो जल्दी बोल दो, लैम्डा अंदर क्या बचा साहब, लैम्डा प्लस 2 a वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। या तो लैम्डा 0 है या फिर लैम्डा इज इक्वल टू में माइनस का 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट v वेक्टर है, और ये लैम्डा आते ही मैं इधर आ जाऊंगा, और इसके इधर आते ही मैं परफेक्ट लैम्डा दे सकता हूं कि w इज इक्वल टू में v वेक्टर प्लस, यहां पे लैम्डा की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 a वेक्टर डॉट v वेक्टर, दैट इज अ कांस्टेंट आई मीन स्केलर इनटू a वेक्टर। ये मेरे लिए W पूरी तरह से A और V के टर्म्स में आ गया, सही है, ये पूरी तरह से A और V के टर्म्स में आ गया। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इतना ही है, जिन्हें ये समझ में आ गया, वरना आप अधिकतर लोग इधर ही रख करके स्क्वायरिंग करते मेरे के और आंसर नहीं मिलता उन्हें, ठीक है। आईटी में पूछा हो गया क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है, और अब इसके वर्जन आ चुके हैं बहुत सारे मार्केट में, तो आप ये बेसिक वर्जन याद रख लेना, दूसरे ऑटोमेटिकली आपको फेल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरे को आज के दिन पे आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर लेना था, मैं खर्च कर सकता था, फिर मेरे को लगा कि अगर भाई तो कर दिया ना तो शीट में ही मिलाऊंगा सारी, ठीक है। हाँ इसमें यही सबसे बड़ा दर्द है कि आपको ये पता कर लेना है कि बेटा बच्चे से बस सिर्फ इतना पूछना होता है कि कुछ क्वेश्चन मैं करा दूं और शीट तो मुझसे मिलवा ले, ठीक है, कम क्वेश्चन करूं और शीट तो मुझसे मिलवा ले, या मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊं और तभी शीट तो मुझसे ही मिलवा ले, है ना नहीं, ऐसा यही होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नहीं हिंदी मीडियम में मेरे को सुनने में आया 11th क्लास का एक हिंदी मीडियम भी है, वो काफी चर्चित बैच है यहाँ का। आगे बढ़े अपन लोग, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अपना तो ये हाल नहीं है ना, तय नहीं कर पाया। देन मॉडुलस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, डज नॉट एक्सीड्स, ठीक है, और इसके बहुत वर्जन ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है, इसके बहुत सारे वर्जन आईआईटी ही निकाल चुका है, बाहर किसी को अलग से बुक के लिए प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, आईआईटी ही आईआईटी का। मैं आपको ये सीन समझा देता हूँ, पिछले 10 सालों में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेंस और एडवांस मिला करके 72 क्वेश्चन हैं वैक्टर के, वैक्टर माने वैक्टर थे, ठीक है, 10 सालों में 72 क्वेश्चन होने का मतलब समझते हैं पर ईयर 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, पर ईयर 7 क्वेश्चन, ये तो हालत तब है ना, और मैं ये तो वो कैटेगरी बोल रहा हूं जिसके अंदर मैंने अभी उनको काउंट नहीं करा जो मैथ्स दो कॉलम आते हैं, अगर आप मैथ्स दो कॉलम को मिला लो तो 90 से ऊपर जाएंगे, इतना जबरदस्त इसका, आप दो चैप्टर अभी आपकी जिंदगी में चल रहे हैं आपको नहीं पता, ये पूरा टाइम ऐसा है जब आप मैथ्स पे ध्यान दो और आप बच जाओगे, उधर डेफिनेट इंटीग्रेशन हर साल 100% कन्फर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन देता ही देता है एडवांस में, 1 क्वेश्चन जरूर देता है मेंस में।
ठीक है। और उसी प्रकार से ये वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल 3 क्वेश्चन देता है मेंस में, ठीक है, और एडवांस का तो हिसाब ही नहीं है। मैथ्स दो कॉलम को तो बोल जाओ तो मैथ्स दो कॉलम में तो 6 क्वेश्चन दे देता है सब मिला करके, ऐसा चैप्टर है। मैं इसलिए कर रहा हूं 9 दिन के लिए दरवाजा खुलेगा, 9 से 10 दिन के लिए मान लो आप, और आपको इस दौरान में ना केवल भगदड़ मचा करके अंदर से लूट के लाना है बल्कि मार्क भी करके रखना है, ठीक है। ये रैपिड फायर राउंड है, हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं फिर बताऊं, और अगर ध्यान से देखो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं तो हर किसी का हो जाएगा। अब आप ये समझते चलना क्या क्या काम का है, मैं सारे काम की चीजें इकट्ठी करके दे रहा हूं, उनमें ये है, ये इससे बड़ा नहीं होगा, माने इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली बात है ना। स्टूडेंट नॉर्मली क्या करता है, ये सब यूनिट वेक्टर है तो इसको खोल देता है, मॉड ए स्क्वायर सोच लिया हमने, ये डायरेक्ट समझ जाओ तो 2 times मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बराबर है। अच्छा, एक माइनस के अंदर इट इज 2 times ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, गलत तो नहीं आ रहा ये ओवरऑल, ये पूरा एक्सप्रेशन यही है, सही ना भाई, नहीं आया, पूरा एक्सप्रेशन ये है। अच्छा, अब पंगा ये है, अब इसके बाद में ये किससे बड़ा नहीं होगा, इसके जगह, इसके जगह तो 111 ले लो सर, अगर आपने 111 ले लिया तो ये 6 हो जाएगा, और 6 minus समथिंग समथिंग कितना हो सकता है, इधर कोई भी फ्लू तुक्का उक्का कुछ भी, तो सर ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, ज्यादा ज्यादा पूछ रहा हूं, ज्यादा ज्यादा तब हो जाएगा जब, अरे ना आप फिर दिमाग नहीं लगा रहे, ज्यादा ज्यादा तब हो जाएगा जब ये सारे के सारे प्लस में बदल जाएं, नहीं है, अरे ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में तो हमारे हाथों में ना, ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव नेगेटिव लाओ, तो ज्यादा से ज्यादा कितना खेच सकते हो, तुक्का मारो पहले आप, हाँ भाई ये ज्यादा से ज्यादा ये 9 खिंच जाएगा कैसे, हाँ भाई अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये तो ऑटोमेटिकली 6 है ही, ये शायद 3 तक खेच सकता है अभी, हाँ या ना, और 3 भी नहीं -3 खेच जाएगा लगता है ना कि ये -3 तक खेच जाएगा, लगता है एक बार के लिए लगता है, गौर से देखोगे तो लगता है कि हाँ चलो सर -3 तो दे ही देगा, तीनों -1 -1 -1 दे सकते हैं कि नहीं, तो ये -3 देते ही -3 × 2 माइनस का 6 और -- प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 और 6 12 तक एक बार एक स्टूडेंट को एक रफ आइडिया दिखता है। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो स्मार्टली एक्ट कर रहे होते हैं। कल मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था, आपको याद हो, समेशन ऑफ कॉस्ट 2a, याद है आपको, जिसमें तीनों वेक्टर यों थे ऐसे जा रहे थे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, -3/2 आई थी कि नहीं आई थी। अब वो वैल्यू से ये वाली वैल्यू को कैसे मिलाए, क्या मैक्सिमम होगा, क्या वाकई 12 होगा, ऐसा लगता है कि 12 होगा, और ऑब्वियस बात है आंसर में 12 होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, मैंने एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें जानबूझ करके एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ रहा हूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटाता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ते ही इट इज 3 times ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, और घटाते टाइम पे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां जोड़ रहा हूं सर, सोच लिया आपने, और प्लस के अंदर इट इज 2 times समेशन भी लिख दूं सीधा छोटे में, आप समझ जाएंगे, हाँ या ना, ये अपने हमें बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, और आपको तो पता ही होगा ये अपने हमें 3 times 3 है, अरे 1 + 1 + 1 है, हाँ या ना, तो इट इज 9 - something का स्क्वायर, और आपसे बोला जा रहा है ये अपना मैक्सिमम देगा कब, तो आपको पता होगा कोई भी चीज अपना मैक्सिमम तब देती है जब उसका नेगेटिव पार्ट मिनिमम हो, जितना कम से कम घटेगा उतना ज्यादा ज्यादा बचेगा, तो आप सोचो इसका मिनिमम इज इक्वल टू 0 है, और इसका मिनिमम अगर 0 है तो आंसर इज 9 - 0 बोले तो आंसर इज 9 ना कि 12, ठीक है, आंसर इज अच्छा। और अगर बाय द वे इसको फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो फिजिक्स में तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं है, 3 forces इक्विलिब्रियम में तभी होते हैं जब सारे 120 पे हों, नहीं है, 3 forces अपने आप में इक्विलिब्रियम में तभी होते हैं, और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब मिनिमम पे होना, छोड़ो आप इसमें दिमाग लगाना, ठीक है, हाँ ये अपने आप में चिल क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जरूरी है इसलिए लिखवा दिया, अगले बात फटाफट से।
हाँ जी साहब। अच्छे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, ये आधे से अधिक बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ये ऐसा कुछ अजीब सा है। हाँ बस इसी वजह से आधे बच्चे सोचना भी बंद कर देते हैं, नहीं बात ही नहीं करनी अपने, ठीक है। जबकि आप में से कईयों को यकीन नहीं होगा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव्ड है कि प्रूव हो गया है अभी अभी। ध्यान है आपको? कौन सा वाला? मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू, ये तो समझ में आ गया, ये प्रूव हो चुका है। अच्छा अब आ जाते हैं इस वाले पे। देखिए साहब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कॉस ए और बी के बीच का एंगल है, बराबर है। इस बार अपन बात कर रहे हैं कॉस के अंदर ए वेक्टर और माइनस ए प्लस बी के बीच का एंगल। कुछ भयानक नहीं है, भयानक सिर्फ दिल में होता है और कुछ नहीं होता। आप ध्यान से देखोगे, आप सिर्फ एक एक पॉइंट को ढंग से पकड़ लीजिए, आपके सारे आंसर हो जाएंगे। देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये ए वेक्टर एंगल माइनस में ए प्लस बी देना उल्टा आपके लिए बहुत बड़ी बात है, उसने कम से कम 6 से 7 लाइन बचाई है। आप सोचो ये कॉस थीटा है, अरे कॉस थीटा है, ये दोनों वेक्टर वेक्टर भूल जाओ, ये थीटा है। हाँ या ना, किस किस के बीच का? इसका और इसका, ए वेक्टर और माइनस ए प्लस बी का। तो आपको पता होगा ये अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ए की जगह ए वेक्टर नहीं है, अरे सॉरी, ए की जगह ए वेक्टर, श्योर है, ए की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर माइनस में ए प्लस बी वेक्टर, बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में इन्हीं का मॉड। तो इसका मॉड कितना हो गया? मॉड ए। इसका मॉड कितना हो गया? माइनस में ए प्लस बी, बराबर है ना भाई। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको आएगी। अच्छा जिन लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई उन्हें पता होगा मॉड ए 1 है, काम खत्म हो गया। अच्छा ये मॉडुलस में ये माइनस को खा जाएगा, तो ये तो अपने आप में हो गया 1। तो इधर की तरफ तब तक आप जानते हो ए और ए का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू माइनस का मॉड ए का स्क्वायर। सोचना, अच्छा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सोचो, बराबर है ना भाई, यहां तो कोई परेशानी। अच्छा मॉड ए की जगह कितना ले लूं? 1। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे नहीं लगता कि यहां तो कोई परेशानी है, इसकी वैल्यू और बोल दो 1। तो और अगर ढंग से जमा के लिख दो तो माइनस 1 माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, अपॉन में नीचे इट इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं सामने ये सब समान वापस लिख रहा हूं, ए वेक्टर एंगल माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। धीरे धीरे समझ लो ये ऐसा लिखना है ना। अच्छा अब एक छोटा सा काम करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस की, दिख रहा है ना, हम लोग डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा मॉडुलस में ए प्लस बी इंटू में कॉस वेक्टर के अंदर कितना ए वेक्टर एंगल माइनस में कितना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या यहां तक पकड़ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा, और सामने क्या रह गया? सामने रह गया माइनस 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मुझे लगता है शायद हम लोग एक कदम दूर हैं पूरी कहानी से। क्या क्या कॉस क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू भी निकालें क्या? अच्छा क्या निकलेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, वो भी बता दो। मॉड ए मतलब 1, लिख लेते मॉड ए मॉड बी इंटू में कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर। अरे वाह, और इसकी वैल्यू कितनी? 1। और ये कॉस वाले को उधर पहुंचा दूं, अगर मैं उधर ले गया तो कॉस ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर प्लस के अंदर कितना मॉड ए प्लस बी इंटू में कॉस ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर एंगल माइनस में कितना ए प्लस बी इक्वल टू कितना माइनस 1। और ये आपको प्रूव करना था, लीजिए सर काम खत्म, सही है। अब आप इसकी भयानकता पे चले जाओ या ये समझ लो कि अपने को ये सीखना है, ठीक है। पहला काम कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हमारे लिए किसका रोल निभा रहे हैं? ए का। और ये किसका रोल निभा रहे हैं? बी का। तो यहां लिखा हुआ है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करा है सिंपल डॉट प्रोडक्ट, तो ये माइनस मॉड ए का स्क्वायर जो कि 1 बन गया, आगे इससे मल्टीप्लाई से माइनस ए डॉट बी हो गया, मॉड ए की जगह 1 हो गया, यहाँ पे माइनस हट के प्लस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा बस मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इधर की तरफ इस ए डॉट बी को ये लिख दिया है, ये लिखते ही ऑटोमेटिकली 1 हो गया और ये माइनस का क्रॉस उधर जाके प्लस का हो गया, बस दैट्स इट, और बाकी सारा वैसा वैसा रखा है, ठीक है। तो इट इज अ गेम ऑफ लाइजनिंग ओनली, लाइजनिंग कर रहे हैं अपन लोग चीजों की बस।
क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आइएगा, लिखिएगा फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सभी जने जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसमें क्रॉस में एस होता है इसलिए साइन थीटा याद रखना, ठीक है, तो क्रॉस साइन, क्रॉस साइन याद रह जाएगा। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप में से कईयों की हालत इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कम पढ़ने की वजह से कि उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि क्रॉस में साइन होता था या डॉट में साइन होता था, ये भी आप में से कई लोगों का कन्फ्यूजन का दौर चलेगा, ठीक है। तो आप ये फिलहाल, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, ये उस बच्चे को बड़ा डाउटफुल लगता है जिसने मतलब अच्छी पढ़ाई करी है, उसको लगता है ऐसा भी होता है भाई, लेकिन वो तो वही जानता है जो कम पढ़ रहा है, उसका दर्द वही समझता है। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू में हो जाएगा, आपको पता होगा इट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहां तक ये सारी की सारी क्वांटिटीज आर स्केलर्स, उम्मीद है आपको पता होगा ये सब स्केलर्स हैं। इकलौती चीज जो वेक्टर के नाम पे आई दैट इज एन कैप, और उम्मीद है ये क्योंकि वेक्टर आ गया इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी इज कमिंग एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट जो आया दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं है, इसलिए इसको कुछ लोग क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आंसर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, पता है। हाँ सर, तब तक ये भी पता होगा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। ये अपने आप में एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, जिनको ये पता है कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है वो अच्छे से वाकिफ हैं, ये ए वेक्टर इधर होता है, बी वेक्टर इधर होता है, और एन वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटसाइड या इनसाइड होता है, लेकिन अपन तो यूं दिखाएंगे। और मैंने जैसे बोला था हम ए से बी की ओर चलते हैं, ए से बी की ओर चलने के कारण ही मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा सब, ए से बी की ओर। तो ये हाथ क्योंकि यूं लपेटने में आ रहा है इसीलिए स्पाइरल भी यूं जाती है, ठीक है ना भाई, ये हाथ यूं घूम रहा है, ठीक है ना भाई, ताकि ये हम अपसाइड रहे। Anyway, तो इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, तो अपना जो एन कैप है वो इसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसको अगर बाय द वे एन कैप बोलते हैं तो साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि एन कैप इज इक्वल टू, मैं एक सेकंड एन कैप के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले आपको ये तो पता ही है कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनली मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है, सोच लिया आपने। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। अगर मैं मॉडुलस ले लूं इसका तो क्या इधर भी मॉड लेना पड़ता है? अगर मैंने इधर मॉडुलस लिया तो क्या इधर भी लेना पड़ता है? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने LHS में मॉडुलस लगाया तो RHS भी मॉड आएगा। तो मॉड ऑफ मॉड ए मॉड ए, मॉड ऑफ मॉड बी मॉड बी, तो ये अपने आप मॉड ए रह गया, ये अपने आप मॉड बी रह गया। मॉड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या कि इसके अंदर जो ये थीटा है ये वही थीटा जो पिछली बार वाला थीटा था। क्या आपको ये भी याद है कि थीटा अपने आप में कहां से कहां में था? जीरो से पाई में, और जीरो से पाई के बीच में साइन थीटा नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इसके मॉड गया सर, तो ये वापस साइन थीटा बाहर आ गया। फर्स्ट कौन गया बेचारा? एन कैप, और उसकी वैल्यू कितनी बन गई? वन। इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से ये पता चल गया कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ओनली, सही ना भाई। अच्छा, जिनको ये पकड़ में आ गया वो ये भी पकड़ लें कि इसका मतलब ये कि ए क्रॉस बी देख लिया मैं, अब इतनी दूर तक जो ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा था उसकी जगह मैं मॉड ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, लिख दो। और डॉट के अंदर क्या चलता है? एन कैप। तो एन कैप की फाइनल वैल्यू विल बी ए क्रॉस बी अपॉन में कितना? मॉड ए क्रॉस बी, सही है। ये तो तब जब मैंने अपसाइड लिया, अगर मैं डाउन साइड लेता हूं तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस, क्योंकि अपने आप में दो साइड में जा सकता है, ठीक है, फटाफट आगे चलेंगे। लेकिन याद रखना, हम लोग साइन थीटा को लेकर कोई फार्मूला क्रिएट नहीं करते यहां पे, साइन थीटा को लेकर के कोई फार्मूला क्रिएट नहीं करते। जब भी हमारे को थीटा निकालना होता है हम लोग कॉस थीटा की ही मदद लेंगे, माने डॉट प्रोडक्ट को वरीयता है, ठीक है ना, उसको प्रेफरेंस है। अगर आप में से किसी को याद हो तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। हालांकि साइन थीटा के फार्मूले का कहीं यूज नहीं है सिवाय इस जगह के कि मॉड ए क्रॉस बी अपन मॉड ए मॉड बी लिख लिया मैंने, साइन थीटा लिख लिया। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि आपको हल्का हल्का याद है कि
कॉस थीटा कितना था? ए डॉट बी अपॉन कितना? मॉड मॉड बी, सही है भाई। आपको ये भी याद होगा फिर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं हम, क्योंकि अपन ने इसको आइडेंटिटी में डाला है, तो आइडेंटिटी में डालते ही इट इज मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। इसका अंदर सिंपल ए क्रॉस बी का स्क्वायर कर दूं अपॉन में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर इनटू मॉड बी का स्क्वायर, बराबर है ना भाई। प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर करते इट इज ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। यहां तक ये कहानी पकड़ में आई? और यहां से आप एक क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ठीक है ना भाई। क्योंकि मैंने इसे ट्रायंगुलर आइडेंटिटी में डाल के प्रूव करा, सो द आंसर विल बी आल्सो एन आइडेंटिटी, ठीक है। इसको लैग्रांज आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, ये अपने आप में डॉट और क्रॉस के बीच के रिलेशन को दिखाती है, फिर काम की चीज है बहुत ज्यादा, आईटी यूज करता है इसका जबरदस्त। डॉट और क्रॉस के बीच का रिलेशन को दिखाती है, याद रखते चलिएगा। थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। अपन इतनी दूर तक तो करके जाएंगे जाएंगे जितना अपने को आगे समय मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने जो मेरे लिमिटेड टाइम है उसके अंदर मैं इतनी दूर तक ये चीजें बना रहा हूं जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उससे मिलेगी नहीं, नहीं तो उसके बगैर। हाँ सर, प्रॉपर्टीज में आएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या आपको ये ध्यान है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता सर। ए डॉट बी बी डॉट ए, अच्छा। लेकिन क्या ये पता है आपको कि बी क्रॉस ए अपने आप में ए क्रॉस बी हो सकता है अगर आप माइनस लगा लें तो? सही है भाई, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस में ए क्रॉस बी। हर बात लिखते चलना मेरे साथ साथ दौड़ते चलना भाई, है ना। हाँ सर, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाए तो क्या ये सिंपल ओपन होगा? सिंपल ओपन होगा मतलब क्या ये पहले बी से मल्टीप्लाई फिर सी से मल्टीप्लाई होगा या बी से ही रह जाएगा या होगा ही नहीं? मस्त होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, ए क्रॉस बी होगा और प्लस में ए क्रॉस सी होगा। लेकिन याद रखना ये प्री मल्टीप्लाइड है, अगर प्री मल्टीप्लाइड है तो प्री रहेगा, माने ए के आगे मल्टीप्लाई होगी। फिर अगर आप इसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो बी, अगर मान लीजिए ये ऐसा ना होकर ऐसा होता बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाइड है। अगर पोस्ट मल्टीप्लाइड तो पीछे ही मल्टीप्लाई होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आपको इतनी बारी बारी बात का ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या है, ये फिरका और माइनस लगा, ठीक है ना। इस छोटी सी बात का ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई किस तरफ से करी जा रही है। हालांकि हम लोग कई बार ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं कह दूंगा कि इसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे को यहां पे अगर भाई जो बोर्ड में बैठा हूं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाइड है कि पोस्ट मल्टीप्लाइड है, ताकि मैं जब ये खोलूं तो मुझे पता होना चाहिए इट इज ए क्रॉस ए प्लस में बी क्रॉस ए प्लस में सी क्रॉस ए देखना है, या फिर ए क्रॉस ए प्लस में ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी लिखना है। मुझे पता तो होना चाहिए ना किस तरह से मल्टीप्लाई करा गया। मल्टीप्लाई जरूर दिखाएंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बोलूंगा या आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अदरवाइज बोर्ड के एग्जामिनेशन में बकायदा लिखना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाइड और पोस्ट मल्टीप्लाइड, है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये आपको याद नहीं होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 और 0 होने का लॉजिक साइन थीटा 0 है क्योंकि थीटा 0 है, सही ना। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जे क्रॉस ए इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये सब के सब 0 है, ठीक है ना। एज थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू 0, अच्छा इसका मतलब ये कि सीधी बात ए क्रॉस ए भी 0 होता है क्या? जल्दी बताओ आप, ए क्रॉस ए भी 0 होता है क्या? हर तरह का ए क्रॉस ए 0 होता है, अरे हर तरह का ए क्रॉस ए 0 होता है क्या? और क्या, थीटा 0 तो कौन बचा लेगा उसको, ए क्रॉस ए। अच्छा मेरे को एक बार वैसे बताओ ए क्रॉस ए का वैसे बेसिकली मीनिंग क्या होगा? मॉड ए मॉड ए साइन थीटा साइन 0 इंटू एन कैप होगा कि नहीं होगा? हर तरह के लिए होगा, ध्यान रख लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हर तरह के लिए। अच्छा ये तो खैर मैं आपसे सीख के ही जाऊंगा, ये आपको पता ही होगा, आई क्रॉस जे के पक्की बात है क्या भाई? क्या आपको ये व्हील बता दिया?
इसके अंदर आई कैप यहाँ, जे कैप यहाँ और के कैप यहाँ। जब तक आप इसमें क्लॉकवाइज नहीं, हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब तक तो बराबर है, और जहां आपको एंटी क्लॉकवाइज रन होना पड़ गया माइनस लग जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे के लिए मैं उल्टा दूंगा तो इट इज माइनस का आई कैप, सही है। अच्छा देख लेते हैं अभी एक मिनट में, आपको पता ही होगा कि अगर मैंने आपको बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं याद है आपको ए वन आई कैप प्लस में ए टू जे कैप प्लस में ए थ्री के कैप होता है, याद है आपको? तो मुझे जल्दी से बस बता देना ए क्रॉस आई कितना होता है। अगर मैंने ए क्रॉस आई करा दिया ए एरा, पहले तो आई कैप की मल्टीप्लाई करते ही ये तो जीरो, ये वाली पार्टी तो जीरो आई क्रॉस आई, फिर आया जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई के लिए माइनस के कैप, तो माइनस का ए टो के कैप। अच्छा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करते ही के क्रॉस आई माने जे कैप, तो प्लस का ए थ्री जे कैप, इस तरह की चीजों के लिए। किसी को ये याद है कि ए डॉट आई कितना होता है? सिखाया था ए डॉट आई ए वन ए डॉट के, किसी को ये याद नहीं है? अच्छा ये बताना ये याद है क्या, ए डॉट आई आई कैप प्लस में ए डॉट जे जे कैप प्लस में ए डॉट के कैप इज इक्वल टू। अच्छा कितने लोगों को याद है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, कौन चिल्लाएगा अगर प्रोजेक्शन पूछा तो कितनी बार? तो इसका मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए, और अगर वेक्टर हो जाए तो ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए इंटू ए कैप, याद है ना प्रोजेक्शन। तो मतलब आपसे अगर वो ये बात है इसे चिल मार के करिए ना मस्ती में तो शायद आपको याद भी रहती है, बाकी नहीं याद रहता। चलिए शेष अपन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको काम दे दूं, डॉट प्रोडक्ट में अपना पाप कितनी दूर तक फैल गया दिखाओ। हाँ सर एक्सरसाइज वन में 39 40 41 ठीक है।